नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2010 का सवाल है क्वेश्चन से इज द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एंड इज इक्ल टू थ्री टू इट्स ग्राउंड स्टेट एंड इज इक्ल टू वन द फोटोन द सेमिटेड इरेडिएट्स अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटीरियल इज फाइव पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सवाल है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी और हमें यह भी दे रखा है चलो ये भी दे दिया उन्होंने कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेट इज एन जो होता है वो माइनस थर्टी पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम्प कर रहा है उसने जम्प किया आपकी जो एनर्जी uh, का डिफरेंस आएगा डेल्टा ई वो होगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय थ्री स्क्वायर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर माइनस के साथ तो ये जो आपकी डेल्टा ई e, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है वो आ जाएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय नाइन प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स थर्टीन पॉइंट सिक्स की डिवाइड बाय नाइन इसकी वैल्यू होएगी माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स यानी कि वैल्यू बन गई ट्वेल्व पॉइंट वन या आपकी इतनी इलेक्ट्रॉन uh, वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे ना सवाल ये है कि uh, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होएगा ना यहाँ पे फिर आइंस्टीन की हम इक्वेशन यूज़ करते हैं विथ सेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू आपकी डेल्टा ई e जो आपने प्रोवाइड की है माइनस आपका फाइनआउट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आप लिखोगे ई वी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई यानी कि 12. पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट वन है माइनस जो आपका फाइनआउट दिया हुआ है फाइनआउट दिया हुआ है फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन और इसकी वैल्यू हो जाएगी सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच एम्प्लाइज आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया सेवन वोल्ट सो बेस्ड ऑन सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी सेवन वोल्ट वुड बी द राइट आंसर